मॉनसून भारत पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। अब देखना यह है कि कोरोना वायरस पर बारिश का कितना असर होगा। क्या साल 2020 की बारिश इस कोरोना वायरस को बहाकर अपने साथ ले जाएगी या इससे कोरोना वायरस की ताकत और बढ़ जाएगी। आइए जानते हैं कि कोरोना वायरस पर बारिश के असर को लेकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों का क्या कहना है। यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर की संक्रामक रोग विभाग की वैज्ञानिक जेनिफर होने ने कहा है कि बारिश का पानी वायरस की सफाई नहीं कर सकता है, इससे वायरस फैलने और पनपने की रफ्तार भी धीमी नहीं होगी। ये उसी तरह है कि हाथ पानी से धोएंगे तो वायरस नहीं मरेगा, साबुन लगाना ही पड़ेगा। बारिश की वजह से कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के ग्लोबल हेल्थ मेडिसिन और एपिडेमियोलॉजी के प्रोफेसर जेई बेटन कहते हैं कि बारिश कोरोना वायरस को डाइल्यूट कर सकती है। जिस तरह धूल बारिश के पानी में घुलकर बह जाती है, वैसे ही ये वायरस भी बह सकता है। वहीं कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि बारिश साबुन की तरह पानी की सतह को डिसइंफेक्ट करने में सक्षम नहीं है। यह उसी तरह है कि हाथ पानी से धोएंगे तो वायरस नहीं मरेगा, लेकिन उसे मारने के लिए आपको हाथ में साबुन लगाना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के मुताबिक कोरोना के ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें 17 दिनों के बाद भई सतह पर कोरोना वायरस मिला। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि बारिश की किसी सतह, मैदान या कुर्सी पर लगा वायरस खत्म हो जाएगा। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की लोगों से अपील है कि वे बारिश के मौसम में कोरोना वायरस को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरते, क्योंकि नमी के कारण हवा में कोरोना वायरस काफी देर तक तैर सकता है, इससे संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ सकता है। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ